गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनमोल बाबा व्लॉग्स। गाइस, हम बहुत दिनों बाद आज व्लॉग डाल रहे हैं, बहुत दिनों बाद हमारा ये व्लॉग आ रहा है। एक्चुअली घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मिस हो गई थी, जिस कारण हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे, बट आज से डेली व्लॉग्स आएंगे। सो आज से आप डेली व्लॉग्स देख पाएंगे। रेडी हो? हाँ। आप रेडी हो? हाँ, चलो कपड़े लेने चलते हैं। मार्केट जा रहे हैं, आज गीतांशी को कपड़े मिलने वाले अपनी दादी से। हाँ, ये दादी को अपनी गिफ्ट खर्ची देती है रोज, और थोड़े से मैं बीच में मिला के इसको गिफ्ट ले रहे थे, लेने जा रहे शॉपिंग करने जा रहे। मास्क ले लो सब। ये देखो, गीतांशी को इतनी जल्दी हो रही है शॉपिंग की, अकेले निकल पड़ी है फटाफट बाहर। गाइस, गीतांशी की दादी की नी प्रॉब्लम हो रही है, नी पेन है, उसके बावजूद सिर्फ गीतांशी के कहने पर वो जा रहे हैं। नाइस ना। कुछ दिन पहले ना कंचके थी, कंचकों पे गीतांशी गई, उसकी दादी दौड़ के पीछे भागी, कहीं किसी और के साथ ना चली जाए, मतलब चल नहीं पा रहे उसके, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, पेटों में दर्द हो जाता है। तो किसी के घर जहाँ गई थी तो वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे विदाउट लिफ्ट सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए इसको देखने के लिए। चलिए रिक्शे में बैठ रहे हैं, रिक्शा में बैठ गए हम, मार्केट जा रहे हैं। क्या प्राइस है इसका? 400। शॉपिंग कर ली है, तो हम चल रहे हैं घर, देखते हैं रास्ते में कुछ लेना हो तो। आंची बहुत खुश है कि आंची ने अपने पसंद के कपड़े लिए हैं। गाइस, रास्ते में हम रुक गए गोलगप्पे खाने के लिए, देखो इसे कैसे खा रही है चटोरों की तरह। गीतांशी, टेस्टी है? ओह ओह ओह, अच्छा इसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, हमेशा पानी साथ में कैरी करती है। नाइस गर्ल। गीतांशी, मजा आ गया? So guys, हमने कपड़े परचेज कर लिए हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम शायद प्रीति के घर जा रहे हैं। गाइस, ये देखो चांदी के नोट हैं, 500 के, 2000 के, और ये देखो ये जो इसके ऊपर बने हुए हैं टॉप पे, ये यंत्र है, ये भी चांदी के हैं। हमारे जीजा जी का काम है चांदी का, ये जग गिलास, और ये देखो खूब सारे यंत्र हैं, सब चांदी के हैं। ये दिवाली पे गिफ्ट्स आए हुए हैं, दिवाली पे लोग गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, उसके लिए है ये सब, कुछ लोग मंदिर में रखते हैं, और ये सब पंडित के द्वारा बताए गए के अनुसार है। ये नवग्रह यंत्रम, दोष निवारण यंत्रम, श्री यंत्रम। गाइस, ये सब चांदी के यंत्र है जो पंडित बताते हैं। खैर, ये सब चीज़ें तो अलग हैं, और इसमें कुछ और भी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई, बताती हूँ क्या है। अभी दिखाया था जीजू ने मुझे, जीजू दिखाओ वो। हाँ, ये लक्ष्मी जी के पाँव, ये बहुत अच्छे लगे चांदी के। गाइस, जीजू के पास हर चीज़ मिलती है चांदी की, अगर आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, ये हट्टी चांदी की। ये हमारे जीजू, ये देखो एक और चांदी की हट्टी, कितनी प्यारी लग रही है ये भी, सो ब्यूटीफुल ना। गाइस, हमने बर्गर खाने के लिए रेडियो वाले भैया को रोक लिया है, भैया ने भी अभी अभी दुकान शुरू करी है हमारे सामने ही, तो भैया टिक्की बना रहे हैं और हमें बर्गर बना के देंगे फिर साथ पे। ये देखो ये बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ पे, Thank you.
नीचे अग्नि को दिया है, फिर इसका क्या करोगे? नीचे अग्नि को दिया है, डाल देते हैं शाम को। किसको डाल देते हो? जिनावर को। अच्छा, जानवर को दे देते हो, मतलब जब रात को आप शाम को घर जाते हो तब? हाँ। तो खड़े कहाँ होते हो आप? यादरा मंदिर पे। चलो गाइस, इनसे खाया करो, ये यादरा मंदिर में शादरा में खड़े होते हैं, टेस्टी बनाते हैं बर्गर टिक्की। और क्या क्या बनाते हो आप? गोलगप्पे भी हैं, आटा सूजी के गोलगप्पे हैं, वो भी टेस्टी हैं। अंदर जाके टमाटर सॉस भी ले लो। पहुंच गए घर, घर वापस आ गए हम। गीतान जी क्या लेके आई, दिखा, खोल। देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। लोअर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ कैसी लग रही है? देखो इन्होंने क्या कर रखा है, बच्चों ने घर पे टेंट बना रखा है। देखो ये देखो क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे टेंट बना के? हाँ जी, हम टेंट बना तो सकते नहीं, हमने सोचा अपने घर पे ही बना लेते हैं। हाँ सही बात है, देख लो भाई, जगह छोटी होने के कारण बच्चों ने जुगाड़ भी लगाना सीख लिया है। मुझे तो आता नहीं, मेरी दीदी ने बना लिया, देखिए। चलो भाई गाइस, इनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। चलो आप अपने लिए क्लैपिंग कर लो खुद। चलो मम्मा, क्या कह रहे हो? खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है मैं। अच्छा ठीक है, खाना यहीं पे खाओगे? खाना भी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कैसे खाना खाओगे? यहाँ पर ये है ना टेबल, हमने इसी। अच्छा ये टेबल भी लगाया है यहाँ पे? हाँ जी। और ये रही हमारी बुक्स। पढ़ाई यहाँ पे अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी बेटा, गंदी बात। देखिए गाइस, ये मैंने प्राक्षी के लिए बुक्स लाई है, बुक ये जो कि पढ़ लेगी, क्योंकि ये बुक्स तो अपनी लाई नहीं। अच्छा, वो आपको पता है बाप से बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ती है, आपके साथ नहीं पढ़ती है, आप छोटे स्टैंडर्ड के हो। ये आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आप ही पढ़ सकते हो इसमें, क्योंकि थोड़ा याद भी कर लेगी ना। मतलब पुराना रिवाइज हो जाएगा प्राक्षी। अच्छा बच्चों यहाँ पे खाना खा लो, ठीक है? पढ़ाई बाहर आया करनी, यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे इतनी रोशनी नहीं है ना बेटा। हाँ जी, ठीक है। चलो अब मैं खाना लाती हूँ तुम्हारा। ओके। कैसा लग रहा है गीतांशी प्राक्षी? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। अच्छा खाना, अच्छा सा टेंट, अच्छी सी लाइट, बिल्कुल मजा आ गया। आपकी आपकी शक्ल देख के भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, चलो अब आप खाना खा लो दोनों आराम से। ओके चलो।
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हम अब मिलते हैं दूसरे।